और वहीं सरायकेला जिले का खरसावा राजघराना विजयदशमी पर आज भी 900 साल पुराना परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। विजयदशमी पर इस बार भी राजघराना परिवार ने शस्त्र की पूजा की और साथ में भूमिज सैनिकों के वंशज भी इस पूजा के अहम हिस्सा होते हैं। आपको बताते चले कि कहा जाता है कि जब राज परिवार युद्ध के लिए निकलता था तो शस्त्र की पूजा होती थी। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। काफी वक्त गुजर गया, खरसावा राजघराने की 64 पुस्तें गुजर गईं, लेकिन 900 साल पहले शुरू हुई एक परंपरा अब भी उसी रूप में जीवित है। सरायकेला जिले के खरसावा राज परिवार की विजयादशमी आज भी खास अंदाज में मनाई जाती है। आज यहाँ पर जो खरसावा राज परिवार में है, हम लोगों को 64 पुस्त से करीब 900 साल से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और हम लोग जो यहाँ पर 900 साल में कोल्हान में रह रहे हैं, बहुत ही भाईचारे के साथ रह रहे हैं। एक वक्त था जब युद्ध के लिए निकलने से पहले भुइयां देहुरी तलवारों का विजय तिलक कर राजा के हाथ में थमाते थे, और राजमाता तीरवीर झंडे की पूजा कर भूमिज सरदार के प्रधान सेनापति के हाथ में झंडा सौंप कर बहु बेटियों की लाज की रक्षा का संकल्प लेती थी। अनुष्ठान के बाद भूमिज सरदार सैनिक कंधे पर तीरवीर झंडा को बुलंद करते हुए राजा की अगुवाई करते हुए युद्ध के लिए निकलते थे। इस बार भी विजयादशमी पर हूबहू वही परंपरा निभाई गई। शस्त्र पूजा भी हुई, राजघराने की बहू ने तीरवीर झंडे की भी पूजा की। झंडा सैनिक सरदार के वंशज को थमाया गया। राज परिवार के मौजूदा वंशज गोपाल नारायण सिंह देव कहते हैं कि आज भी भुइयां पुजारी, आदिवासी पहान और हिंदू पुरोहितों की जुगलबंदी 900 साल पुराने भाईचारे की जिंदा मिसाल है। सर्वप्रथम भुइयां लोगों के जो सबसे ऊंचे पुजारी मेरे, जो जिनको हम लोग भी हमेशा चरण पूजते हैं, ये भुइयां लोगों के पुजारी हुए। उसके बाद हम लोगों के साथ हमारे अगुवाई हमेशा जो करने वाले हैं पाहन, आदिवासी लोग के पाहन हुए, और हमारे पुरोहित हिंदू लोगों के, ये हमारे पुरोहित। हम लोग अलग अलग जाति से एक साथ मिल करके एक साथ शस्त्र पूजा करते हैं, और कोल्हान में ये भावना एक तरह से बना रहना चाहिए कि आज भी हम लोग किस तरह से मिल करके एक साथ 101 करीब 900 साल से ये परंपरा को जीवित रखे हैं। और कोल्हान के लिए ये मैं बहुत गर्व की बात कहता हूँ कि इस तरह की परंपरा है। शस्त्र पूजा खरसावा राजघराने का जरूरी हिस्सा ही नहीं, बल्कि ये शौर्य और बलिदान को याद करने का मुहूर्त भी है। सर्वप्रथम भुइयां लोगों के जो सबसे ऊंचे पुजारी मेरे, जो जिनको हम लोग भी हमेशा चरण पूजते हैं, ये भुइयां लोगों के पुजारी हुए। उसके बाद हम लोगों के साथ हमारे अगुवाई हमेशा जो करने वाले हैं पाहन, आदिवासी लोग के पाहन हुए, और हमारे पुरोहित हिंदू लोगों के, ये हमारे पुरोहित। हम लोग अलग अलग जाति से एक साथ मिल करके एक साथ शस्त्र पूजा करते हैं, और कोल्हान में ये भावना एक तरह से बना रहना चाहिए कि आज भी हम लोग किस तरह से मिल करके एक साथ 101 करीब 900 साल से ये परंपरा को जीवित रखे हैं। भूमि सैनिकों के वंशज आज भी विजयादशमी के उस परंपरा के जरिए खुद को राजघराने के साथ साथ उस शौर्य और बलिदान से मजबूत जुड़ाव को महसूस करते हैं। दिल के टुकड़ा है, इतना मनता है राजा रानी, इतना मनता है। और हमारा देहरी जो राजवाड़े का देहरी है, वो कभी स्वागत करता हम लोग को, जैसे पानी में दे के फूल दे के स्वागत करता है कि हमारा सैनिक वीर आ गया। आज भी हम लोग वही चीज़ को मानते हैं जो 1200 ईस्वी से मानते थे, आज भी मानते हैं। 900 साल से, मतलब 900 साल से हम लोग जो यहाँ पे परंपरा चली आ रही है, उसको बनाए रखना, उसको बनाए रखना ही हम लोग का कर्तव्य बनता है। ठीक है, तो हम लोग जैसे बाबू जी हैं, दादाजी हैं, उनसे जो सीखे हैं, उनसे जो सहे आ रहा है, चले आ रहा है परंपरा है, उनको हम लोग को बना के रखना है सब चीज़, और भाईचारे के साथ सब कुछ रहना है। और रहा बात देवी का पूजन का, तो उनके हिसाब से वो तांत्रिक पंथ में पूजा होता है, सप्तमी, अष्टमी, महाअष्टमी पूजा, नवमी पूजा, उसके बाद विजयादशमी के साथ माँ को हम लोग विसर्जित करते हैं। झारखंड के कोल्हान में सरायकेला और खरसावा राजघराने की अपनी कहानी रही है। उस कहानी में शौर्य और बलिदान की मिसालें गढ़ी गई हैं। शस्त्र पूजा की परंपरा के जरिए 900 साल बाद भी 900 साल पहले के उसी मिसाल को जिंदा रखने की कोशिश जारी है। सरायकेला से TV45 के लिए दशरथ प्रधान की रिपोर्ट।